हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता, आपकी गार्डनर फ्रेंड। आज आपसे बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आप किस तरह से ये जो मॉनसून का टाइम है इसमें आपके हर तरह के प्लांट की कटिंग ईजली ग्रो हो जाती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छा तरीका जिससे आप अपने गुलाब की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप जब गुलाब, ये मेरा देसी गुलाब है, और जब आप गुलाब की कटिंग यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह से थोड़ा सेमी हार्ड ब्रांच चाहिए, मतलब इस तरह की बहुत पतली ब्रांचेज नहीं चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, लाइक एक पेंसिल के बराबर या फिर उससे थोड़ा सा पतली। तो फ्रेंड्स ये ब्रांच को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही ब्रांच का चुनाव करें। तो फ्रेंड्स मैं इस ब्रांच को चूज़ करूँगी। इसको करना क्या है मुझे, 45 डिग्री एंगल में आप इसको कट कर लेंगे, शार्प प्रूनर होना चाहिए, एक बार में कटना चाहिए। देखिए इसको मैंने 45 डिग्री में कट कर लिया। अब इसमें जो भी सारी एक्स्ट्रा लीव्स है ना, इनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मॉनसून का टाइम है, इस टाइम ह्यूमिडिटी हाई है, वातावरण में एटमॉस्फेयर में एक नमी बनी हुई है, जिससे इस टाइम में किसी भी तरह के प्लांट की कटिंग को ग्रो करना बहुत आसान काम है। और आपको इस टाइम में आप अपने जितने भी सारे प्लांट हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारा ये कट कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 45 डिग्री एंगल पे कट किया था, और कट करने के बाद मैंने इसका सारी लीव्स निकाल दी है, और ये जो एक्स्ट्रा लंबी लीव है इसको भी मैं थोड़ा सा कट कर दूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, अकेले वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आपको दिखा पाए। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया, और इस तरह की कटिंग को अगर आप लगाते हैं, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ऊपर से भी कट करती हूँ, यहाँ से ये हो गया ना, इसको इस तरह से आपने कट कर लिया। इसको आपको ये करना होगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये कटिंग करने के बाद इसको आपको ये साफ़ का फंजीसाइड का पाउडर है घोल, इस घोल में आपको अपने इस कटिंग को जिस साइड से आप लगा रहे हैं इसको वहाँ से आप ऐसे डिप कर लेंगे साफ़ फंजीसाइड में। इसके बाद फ्रेंड्स एज अ रूटिंग हार्मोन, आपको पता होगा कि आपका हनी हो गया, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं या फिर टर्मरिक यूज़ करते हैं। ये सब भी नेचुरल हार्मोन्स पाउडर हैं, इनको यूज़ करने के बाद आपके प्लांट में बहुत जल्दी रूट्स डेवलप होने लगती हैं। ये तो बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, लेकिन अब जो मेन है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने इस कटिंग को जहाँ से कट किया था वहाँ से हल्दी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होती है, तो इससे अगर आप हल्दी यूज़ करते हैं तो कटिंग के बहुत चांसेस हैं कि ना जल्दी ख़राब होगी और ना उसमें कोई दिक्कत होगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एलोवेरा का पीस लिया है, जैसा कि आपको भी पता होगा कि एलोवेरा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और एलोवेरा में भी एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, तो और ये रूटिंग एज अ रूटिंग हार्मोन भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने पहले ही एक कटिंग लगाई हुई है, इसके साथ ये जो दूसरी कटिंग है इसमें मैंने बस सिंपली एलोवेरा के पीस में थोड़ा सा एक वो कर लिया था, ऐसे होल कर लिया है, और उसमें इस कटिंग को प्लेस करके अब फ्रेंड्स बस इसको आप चुपचाप से बस ये मिट्टी से कवर कर देंगे एकदम बराबर से, और इस कटिंग को आप उठा के रख देंगे फ्रेंड्स सेमी शेड एरिया में, जहाँ पे अगर बहुत भी धूप लगे तो बस एक घंटे से ज़्यादा की धूप ना लगे आपकी इन कटिंग में, एक घंटा भी मैं कहूँगी ज़्यादा है, आप ऐसे शेडेड प्लेस में रखिए जहाँ पर इसमें धूप ना ही लगे, बिल्कुल ना के बराबर। इस तरह से आपको मिट्टी को बराबर कर लेना है। मिट्टी इस तरह से बराबर करने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें ह्यूमिडिटी आप कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको भी बताती हूँ।
ये दोनों कटिंग मैंने इसमें लगा दी है इसके अंदर, और ये दोनों एलोवेरा के अंदर मैंने लगाई हुई। तो फ्रेंड्स ये बहुत चांसेस हैं कि ये विद इन 15 डेज में मेरी ये कटिंग ग्रो कर जाए। अगर ये कटिंग ग्रो हो जाती है तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और इसको मैं एकदम शेड में रखूँगी जहाँ इसमें ब्राइट लाइट तो आए बट डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और इसके बाद ये जो साफ का फंजीसाइड वाटर है ये करीब मैंने 1 लीटर में 1 ग्राम के करीब डाला हुआ है, और इससे मैं वाटरिंग कर दूँगी। और इसके साथ फ्रेंड्स मैं इसमें अभी 1-2 कटिंग और लगाती हूँ। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप अपनी कटिंग को लगाते हैं और इसको आप एटलीस्ट 15 डेज सेमी शेड एरिया में रखिए, वाटरिंग इसमें बिल्कुल तब करिए जब ऊपरी सरफेस एकदम सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब वाटरिंग करिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखती हूँ मैं इसका क्या रिज़ल्ट होता है, फिर आफ्टर 15 डेज अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।